ज्ञान विधि की समझ। आपकी सूरत सूरत रब की आप पहुंची, मैं ढूंढती ढूंढती लपती लपती, मैं बहुत भटकी हूँ बहुत भटकी हूँ, तो मुझे अब ज्ञान चाहिए। हाँ, ये इन्हीं के लिए है कि सारी दुनिया में भटक भटक करके थक गए हैं, उन्हीं के लिए ही ये ज्ञान है। ज्ञान विधि क्या है? तो ये ज्ञान विधि क्या यानी क्या है कि मैं खुद कौन हूं उसका ज्ञान लेते हैं। ज्ञान यानी क्या, पहले जो ज्ञान है वो सांसारिक ज्ञान है, इंजीनियर हूँ मैं, इनका पुत्र हूँ मैं, इनका भाई हूँ ये मेरा फ्रेंड है, मैं बिजनेसमैन हूँ या मैं डॉक्टर हूँ, मैं हस्बैंड हूँ, वो सब रिलेटिव ज्ञान है। रिलेटिव ज्ञान से सुख दुख का असर भुगतना पड़ता है। ज्ञान क्यों लेना चाहिए? क्योंकि अभी देखो ना, ये हॉल इतना अच्छा है, एकदम अंधेरा हो गया और आप बाहर निकलने जाओगे तो टकराव नहीं हो जाएंगे? आपकी आंखें अच्छी नहीं है? अरे आंखें तो बहुत अच्छी है मगर अंधेरा है, तो कुर्सी के साथ टकराव जाओगे, स्लोप में किधर गिर जाओगे, आदमी के साथ टकरा जाते हो, तो अंधेरा है। इसके लिए टकराव हो जाते, एक दूसरे को दुख हो जाता है। और जब प्रकाश हो गया तो अरे कम दिखता आएगा तो भी धीरे धीरे निकल जाएगा, किसी के साथ टकराएगा नहीं। तो ये अज्ञानता के वजह से सब प्रकार के दुख है, और ज्ञान हो गया तो सब प्रकार के दुख की परिस्थिति रहेगी, वही कुर्सी है, आदमी लोग है, इधर उधर सब ऐसे के वैसे ही रहेगा। पर हमारे पास प्रकाश है तो हम किसी से टकराएंगे नहीं, मतभेद नहीं हो जाएगा, हम बाहर निकल जाएंगे। ज्ञान विधि से क्या प्राप्त होता है? प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने के बाद मैं हरि राम नहीं लेकिन मैं शुद्ध आत्मा हूँ, यह ख्याल में रहता है। अभी वो माँ जी ने बताया ना, मुझे हमेशा दिन रात रहता है, फिर शांति शांति रहती है, क्रोध मान माया लोभ हमारे ऊपर सवार नहीं रहते हैं। हमें कल ज्ञान लेना है तो हमें कल हमारे साथ क्या लाना है, पैसा वगैरह कहाँ देना पड़ेगा, ऐसा है। सच्चा ज्ञान अमूल्य होता है, अमूल्य की क्या कीमत दोगे, जिसकी कोई मोल ही नहीं है। इसीलिए लेना देना बंद रखा है, अमूल्य आप दे नहीं सकोगे और अमूल्य हम ले भी नहीं सकेंगे, लेना देना बंद है। सिर्फ अपना अपने साथ भाव लेके आओ कि मैं किस तरह से ये ज्ञान प्राप्त करूं और मोक्ष में जल्दी पहुंच जाओ, सारे कर्मों को खत्म करो, कोई प्री कंडीशन माइंड मत ले आओ, जो भी मिलेगा मेरे आत्मा का ही होगा और इससे ही मेरा उद्धार है, उसी में मुझे रहना है। अब हम समझ लेते हैं ज्ञान विधि में भाग लेते समय ध्यान रखने लायक कुछ बातें। ज्ञान विधि में 18 साल की उम्र या उससे बड़े सभी व्यक्ति भाग ले सकते हैं। ज्ञान विधि से पहले सत्संग हॉल के बाहर ज्ञान विधि काउंटर पर आपको एक फॉर्म भरना है। फॉर्म में आपका नाम, पता और फोन नंबर साफ अक्षरों में लिखना है। जिन्होंने पहले ज्ञान ले लिया है उन्हें ये फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वे ज्ञान विधि में भाग ले सकते हैं। फॉर्म जमा करवाने पर आपको एक टोकन, भगवान का फोटो और चरण विधि की पुस्तक दी जाएगी। उसके बाद आप सत्संग हॉल में प्रथम बार ज्ञान लेने वालों के लिए नियत किए गए स्थान पर बैठे। ज्ञान विधि कार्यक्रम में लगभग 2.5-3 घंटे लगेंगे। इसमें तीन विभाग हो जाते हैं कि पहले समर्पण विधि कराते हैं कि अज्ञान मोह कर्मों सब भगवान को समर्पण करते हैं, और बाद में एक घंटे में आत्मा अनात्मा को जुदा करने का भेद ज्ञान का प्रयोग है, भेद ज्ञान के वाक्य है, बुलाते हैं जो दादाजी ने आत्मा का अनुभव किया, आत्मा का स्वरूप क्या है, अनात्मा का स्वरूप क्या है, वो बुलाते हैं, एक घंटा आपको बोलना है। और तीसरा डिवीज़न
दूसरे घंटे में 5 आज्ञा समझाते हैं। आज्ञा यानी ये कोई नियम नहीं है, बाधा नहीं है, मगर ये ज्ञान में रहने की जागृति की चाबियां हैं कि कैसे हम ज्ञान में रह सकते हैं। तो ये 5 आज्ञा का उपयोग करोगे तो आप आत्मा में भी रह सकोगे, जीवन का व्यवहार संभव से पूरा हो जाएगा और नए कर्म चार्ज नहीं हो जाएंगे। ये कोई नियम बाधा नहीं है, ये धर्म परिवर्तन भी नहीं है, ये कोई वाड़ा संप्रदाय में डालने की बात भी नहीं। आप अपने गुरु छोड़ दो या अपना धर्म बदली करो या नया धर्म पकड़ो, ऐसी भी बात नहीं। 5 आज्ञा अच्छी तरह समझकर ही आप ज्ञान को जीवन में उतार सकेंगे। ज्ञान विधि का कार्यक्रम लगभग 2.5-3 घंटों में पूरा होगा, अतः उस अनुसार समय लेकर आइएगा। जय सच्चिदानंद, कल ज्ञान विधि ली और सुबह से इतना अच्छा लग रहा है कि ये जागृति है, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान वाला का आभारी रहूंगा जिंदगी भर। ये तो ज्ञान के बाद बहुत मतलब बहुत चेंज आया लाइफ में मेरे जीवन में। एक पहले दूसरा ऐसी घटना घटित हो गई थी, अगर आपके द्वारा दिया गया ये ज्ञान हाजिर नहीं होता तो शायद मैं इस जगह पर आज नहीं होता। दीपक भाई, जब से ये ज्ञान लिया और आपका सत्संग सुनना शुरू किया तब से ऐसा लग रहा है जैसा हमें जो होना था वो सब कुछ मिल गया। ज्ञान विधि में क्यों जाऊंगा? अच्छा, ज्ञान विधि में इसलिए जाऊंगा, 3 साल से मैं वीडियो देखते आया हूँ और सत्संग में था। लोग बोलते हैं आपने ज्ञान लिया, आपने ज्ञान लिया, मैं सबको शर्म के आगे बोलते हैं नहीं मैंने ज्ञान नहीं लिया, लेकिन कल के बाद मैं बोल सकूंगा मैंने ज्ञान लिया है।